तो ये तो हो गया दोस्तों इसके बारे में जानकारी। आप आपको लाइटें दिखा देता हूँ, इसमें कौन सी लाइट आती है। अगर आपके स्टेयरिंग में कोई भी फॉल्ट आता है या ऑयल कम हो जाता है तो ये लाइटें दिखाएगी। और ये दोस्तों अपने बैटरी की लाइट है, ये कुछ इस प्रकार से इसका लाइट है, इंजन चेक लाइट। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये दोस्तों अपनी ग्रैंड आइटन पेट्रोल मॉडल है। आज के वीडियो में अपन इसके मीटर के पूरे फीचर बताएंगे आपको, क्या क्या फीचर होते हैं दोस्तों इस कार में। कुछ ज़्यादा फीचर नहीं है, काफ़ी बेसिक से फीचर है, वो दिखा देते हैं आपको। तो चलो वीडियो में बने रहिएगा। अरे दोस्तों कार में आ चुके हैं अपन। ये कुछ इस प्रकार से इसका मीटर है, अभी ऑन नहीं किया है दोस्तों, चलिए ऑन करके दिखाते हैं आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से ऑन हो चुका है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप। अभी दोस्तों हमने ये वीडियो बनाने के लिए पेट्रोल भी नहीं भरवाया, जैसे कि देख सकते हो आप पेट्रोल का भी साइन आ रहा है। पहले दोस्तों आपको ये मीटर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये दोस्तों ये जो है इसका फ्यूल की डंडी है, जैसे कि देख सकते हो आप। और ये ऊपर वाला इसका इंजन टेम्परेचर मीटर है, जो कि इंजन का टेम्परेचर दिखाता है। और ये इसका स्पीडोमीटर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, डिजिटल तो नहीं है दोस्तों, पर यही उस टाइम में बेसिक फीचर होता था। और ये दोस्तों इसका आरपीएम मीटर, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके बारे में जानकारी। आपको लाइटें दिखा देता हूँ, इसमें कौन सी लाइट आती है। तो सबसे पहले अभी इसे मैंने बंद कर लिया है, तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये मोबिलाइजर लाइट आती है, जैसे कि देख सकते हो आप। आपको एक बार क्लियर दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से आती है। और ये लाइट आना ही चाहिए दोस्तों, अगर नहीं आती है या जाती नहीं है तो आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। और ये इसका इंजन चेक लाइट, जैसे कि देख सकते हो ऊपर में। आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार से इसका लाइट है, इंजन चेक लाइट। तो चलिए दोस्तों इसकी तरफ आते हैं। ये अपना ब्रेक लाइट है, जैसे कि देख सकते हो अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं, तो वो लाइट भी चली गई है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप। तो जैसे ही मैं इसे लगा लेता हूँ तो लाइट भी आ चुकी है। अब मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेता हूँ, आप देखिएगा दोस्तों वो लाइटें भी चले जाएगी। तो ये इस प्रकार से। तो और ये दोस्तों जो ब्लिंक हो रही है वो सीट बेल्ट की लाइट है, जैसे कि देख सकते हो आप। और ये जो जहाँ पे स्टेयरिंग का कॉलम दिख रहा होगा वो स्टेयरिंग का लाइट है दोस्तों। अगर आपके स्टेयरिंग में कोई भी फॉल्ट आता है या ऑयल कम हो जाता है तो ये लाइटें दिखाएगी। और ये जो है दोस्तों ये ऑयल प्रेशर की लाइटें है, जैसे कि देख सकते हो आप। अगर दोस्तों आपके कार में ऑयल प्रेशर कम रहा या ऑयल कम रहा तो ये लाइट दिखाएगी। और ये दोस्तों अपनी बैटरी की लाइट है। अगर दोस्तों आपके कार में चलती कार में बैटरी का लाइट आता है या गाड़ी स्टार्ट करने के बावजूद भी ये लाइट जाती नहीं है तो आप इसे ना चलाइएगा दोस्तों। पहले प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिएगा दोस्तों ये लाइट क्यों आ रहा है, उसके बाद ही दोस्तों अपनी कार स्टार्ट करिएगा। और ये है दोस्तों अपना फ्यूल का लाइट, जैसे कि देख सकते हो। आपके कार में अगर फ्यूल कम रहा तो ये लाइट दिखाएगा, और इसे रिजर्व लाइट भी कहा जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। इसके अलावा दोस्तों और एक लाइट आती है, वो थोड़ी देर के लिए आती है दोस्तों, जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, वो भी दिखा देता हूँ। और वो लाइट दोस्तों एयर बैग की होती है, तो चलिए दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बंद करता हूँ इसे, तो ये मैंने बंद कर लिया दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लाइट आई है, जैसे कि देख सकते हो आप। और ये एयर बैग की लाइट है, तो जैसे कि आपको और दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से कुछ टाइम के लिए आती है दोस्तों, फिर चली जाती है। तो ये चली गई दोस्तों। और इसमें एक और लाइट है दोस्तों, वो भी दिखा देते हैं। जैसे कि अपन ये डोर खोलते हैं, कोई भी डोर खोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक लाइट आती है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप। ये जो लाइट है ये डोर की है, जैसे कि देख सकते हो आप। अभी मैं इसे बंद कर दूंगा, ये लग चुका है। अभी ये लाइट भी चला गया है दोस्तों, और इसे खोल लेते हैं। ये लाइट आ चुका है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। लाइटों के बारे में तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, अभी आपको बता देता हूँ इसके जो छोटा सा डिजिटल मीटर दिया है उसमें क्या क्या फीचर है। तो चले दोस्तों वो भी दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले इसे कंट्रोल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे बटन दिए गए हैं, जैसे कि देख सकते हो आप। यहाँ पे ट्रिप दिया गया है और यहाँ पे रिसेट दिया गया है, मतलब इसका भी बता देता हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों अपनी कार कुछ इस प्रकार से चल चुकी है, जैसे कि देख सकते हो। ये अपना टोटल किलोमीटर है दोस्तों। इसके जो ऊपर दिया गया है दोस्तों इंजन रनिंग टाइम दिया गया है, जैसे कि देख सकते हो आप, मतलब गाड़ी कितनी देर तक स्टार्ट रही है वो दिखाएगा दोस्तों।
तो चले दोस्तों, इसे अभी कंट्रोल करने के लिए हमें ये ट्रिप दबाना होता है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये अपन ने ट्रिप दबाया तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप, अभी चेंज हुआ है, ए ट्रिप आ चुका है। और ये ट्रिप को रिसेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे रिसेट वाला बटन दिया जाता है, जैसे कि देख सकते हो आप। मतलब अभी हमारी कार ए ट्रिप में 27 किलोमीटर चल चुके हैं, तो इसे सेट करना होगा। तो रिसेट वाला बटन दबा के रखना होता है दोस्तों हमें, तो जैसे कि दिखा देता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अभी मैं दबाया नहीं हूँ, आप देखिएगा दोस्तों अभी मैं दबाता हूँ तो ये रिसेट 0-0 हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो आप, ये 0-0 हो चुका है। ये बी ट्रिप है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप, तो कुछ इस प्रकार से। और बी ट्रिप में हमारी कार दोस्तों कुछ 3500 समथिंग किलोमीटर चल चुकी है, और इसे भी रिसेट करना हो तो दोस्तों आप यहाँ से रिसेट बटन दबा के रखिएगा तो ये रिसेट हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल अपन इसे रिसेट नहीं करेंगे, और आते हैं दोस्तों और ट्रिप की तरफ, और एक बार दबाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये दिखा देगा दोस्तों किलोमीटर पर आवर्स, मतलब एक घंटे में अपनी कार कितने किलोमीटर का एवरेज देंगी वो दिखाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके का फीचर है, और देखते हैं दोस्तों क्या फीचर है। और दबाते हैं इसे तो और दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से आ गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ये दोस्तों इंजन रनिंग टाइम दिखाएगा, मतलब अपना इंजन कितने देर तक स्टार्ट रहा है उसका टाइमिंग कैलकुलेशन करके अपनी कार दिखाएगी, ये कुछ इस प्रकार से। तो और देख लेते हैं दोस्तों, ये ए ट्रिप, ये बी ट्रिप, और ये जो किलोमीटर पर आवर्स का ये बताएगी। और ये दोस्तों अपना इंजन रनिंग टाइम हो गया, और डबल से आ चुका है दोस्तों ए ट्रिप। तो इतना ही कुछ इसमें फीचर मिल जाता है, और काफ़ी बेसिक से फीचर दिए गए हैं दोस्तों इसमें, एकदम हाई एंड फीचर नहीं दिए गए, जैसे कि दोस्तों किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस टू एमटी, ये भी नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से है दोस्तों इसका जो फीचर है, काफ़ी बेसिक से फीचर है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, अगर दोस्तों इसमें भी कुछ रह गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।